नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। साल 2020 में कोरोना आया, फिर आया किसान आंदोलन, जो कि साल का अंत होते होते आया, जिसकी आवाज देश ही नहीं विदेशों में भी गूंज उठी। इस आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस आंदोलन में उतनी भीड़ अब दिखाई नहीं दे रही थी जितनी इस आंदोलन की शुरुआत में थी, लेकिन शायद किसान अब भी चुप नहीं बैठने वाले। इसलिए तो किसानों ने ब्लैक डे मनाने का फैसला लिया और आज गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा, वो भी काले झंडों के साथ। दरअसल देश की संसद से पिछले साल सितंबर के महीने में पास 3 नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों पर हो रहे प्रदर्शन के बुधवार को, यानी कि आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं। किसान संगठनों ने कहा है कि इसे ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं और सरकार का पुतला भी दहन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी किसानों के इस ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से स्थिति पर काबू पाए हुए हैं, लेकिन किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सर, आज आप लोगों ने काला दिवस मनाया है, आपने तो सर काले कपड़े भी पहन रखे हैं, तो इसके जरिए आप सरकार को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? कौन पहनता है? जल्लाद, जल्लाद बन गया हूँ सरकार के लिए। उस सरकार को बताने आया हूँ कि तुम्हारा दिल काला है, कपड़े काले पहन के ना जल्लाद के रूप में खड़े हैं यहाँ। अगर किसान बोना जानता है ना, काटना भी जानता है, आज का काले कपड़े पहने हैं ना, काला दिन उनका भी आएगा एक दिन। ऐसी बात नहीं है, 24 मई भाजपा गई, 2024 में जाती रहेगी, कब तक करेगी अपनी तानाशाही? नहीं चलने देंगे ना, चला लो। आज हमारे कपड़ों से अंदाजा लगा रहे हैं कि काले कपड़े पहन के आ रहे हैं, अरे यमराज है हम। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा कि जैसे जिस आंदोलन ने जो 6 महीने से जारी है, आपको नहीं लगता इस आंदोलन के चलते जो किसान की एक अन्नदाता वाली छवि थी, जो हमेशा से जय जवान जय किसान का नारा था, उसको देश में कहीं ना कहीं क्षति पहुँची है? कौन कहता है क्षति पहुँची है? किसानी तो है यहाँ पे, जय जवान जय किसान ही है ना। जो सेना पे खड़े हुए किसान के तो बच्चे खड़े हैं, और जो यहाँ पे बैठे किसानी तो बैठे हैं। ये बंद भक्त तो यहाँ आएंगे नहीं ना, वे भाजपा वाले आएंगे यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता आते के साथ तुम्हारी मरम्मत हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ तो किसान ही बैठेगा, कौन का किसान है, किसके पास फसल है? सबके पास फसल है, मजदूर भी आ रहा है यहाँ, तो मजदूर कहाँ जाएगा? मजदूर भी तो किसान का आए खाता है। जब सारा अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा, बेचारा क्या खाओगा? आज के समय क्या खा पा रहा है? आज लॉकडाउन देख लो, सरकार बेकूफ बनाती फिर रही है। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है लोगों के लिए, लोग इलाज के बिना मर रहे, लाशें गंगा में बह रही। ये इस देश का, इस देश को सोचा था हमने, ये भारत है, नया भारत यही था क्या? मोदी जी कहते नए भारत का निर्माण यही था नया भारत, वो नया भारत हम देख रहे हैं ना अब, जा कि गंगा में तो लाशें बह रही, आदमी इलाज के बिना मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, यही है ना नया भारत? वो कहते नमामि गंगे, गंगा को साफ कर रहे थे, गंगा को साफ कर रहे थे ना, गंगा को साफ ऐसे थोड़ा कर रहे थे, लाशों की लाश आई ना पाप आके, पता लग रहा ना कितनी साफ करी, लाश फैलानी थी उसके अंदर, इसलिए साफ करे ना, ताकि पीछे से पानी आए, लाशें बह के आगे चले जाए पता ना चले, इसलिए तो साफ कर रहे थे ना। अब लाशों ने सारी पोल खोल दी, अब बोलते हैं क्या लगे ये लाश तो यहाँ की है नहीं, तो कहाँ की है? पाकिस्तान से थोड़ा आई भाई, गंगा तो भारत से निकलती है, पाकिस्तान से तो आई नहीं, वहाँ तो भारत की तो लाशें हैं भाई, अब बताओ जाओ। अरे ये बात तो सरकार बताओ कि लाशें आई कहाँ से भाई? अरे आज किसानों की बात कर रहे हैं, अरे नु क्या कोरोना बड़ा, कोरोना बड़ा, कानून तो छोटा है, कानून हटा दो, और कानून बढ़ा तो कोरोना हटा दो, एक चीज़ तो हटानी पड़ेगी ना, कौन सी हटानी है? आपने कहा कि लोग आते रहें, दिल्ली पर नज़र रखें, उसके तुरंत बाद आपने बोला कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा एकत्र ना करें, जो आए रजिस्ट्रेशन करा के आए, तो ये तो दो अलग अलग बातें हो गई हैं। और दो अलग अलग बातें तो करनी, और क्या एक बात करनी? सर, लोग आएंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, भीड़ एकत्र ना हो, और फिर आप कम लोग आएंगे, जो लोग आएंगे कम से कम 15 दिन रहे हैं, जो लोग आए कम से कम हज़ारों की या लाखों की संख्या में मैं कहूँ किसान मौजूद हैं, तो बाकी के किसान कहाँ हैं? आंदोलन एक विचारधारा है, आंदोलन की विचारधारा से कितने लोग जुड़े हैं ये सफलता है। शुरुआत में जब आंदोलन हुआ तो सरकार ने बदनाम करने का काम किया, जब सरकार की हठधर्मी रही वो आंदोलन शांतपूर्वक चला, तो आंदोलन का संदेश केरल से कन्याकुमारी, कच्छ से बंगाल की खाड़ी, चारों तरफ फैल गया, हर स्टेट में आंदोलन हुआ, ये हमारी सफलता है। आंदोलन की विचारधारा से कितने लोग प्रभावित हैं, कितने सपोर्ट करते हैं, ये मेरी सफलता है और इसमें हम सफल हैं। आपको नहीं लगता इस आंदोलन ने एक राजनीतिक रूप ले लिया है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई राजनीतिक दल का दिखाई दे रहा कतई नहीं। सुनो, जब कांग्रेसी गवर्नमेंट थी 2014 के पहले, तो ये सारे भाजपा वाले हमारे साथ आंदोलन करते थे, तभी तभी इनके इनका आंदोलन नहीं होता था। तो सर अगर आज वो आ गए तो दोहरे मापदंड नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।